Hello students, my name is Rahul Vaswani and I am from Legal Edge. Last time when we talked about eligibility criteria for CLAT, after that many students sent us a query via mail, via messages as well as phone calls whether 12% actually matter for CLAT aspirants or not. So we have thought that we will make a small video and this small video will tell you whether actually 12% matters for all the CLAT aspirants or not. सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं CLAT की एलिजिबिलिटी वाइज और उससे एनालाइज करते हैं कि क्या 12th के परसेंटेज मैटर करते हैं या नहीं करते हैं. सो लास्ट टाइम हमने ये चीज कही थी और इस बार भी आपसे रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपके सिर्फ 45% मार्क्स आए हैं 10+2 या इक्विवेलेंट एग्जाम में तो आप एलिजिबल हो CLAT का एग्जाम लिखने के लिए, चाहे आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. इनफैक्ट वो सारे स्टूडेंट्स जो एनआरआई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या ओसीआई कैटेगरी को बिलोंग कर सकते हैं या पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैटेगरी को भी बिलोंग करते हैं, वो भी एलिजिबल हैं फॉर राइटिंग CLAT. इनफैक्ट स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू एससी और एसटी कैटेगरी उनको सिर्फ 40% मार्क्स सिक्योर करने पड़ते हैं 12th एग्जाम में to become eligible for writing CLAT and getting admission into national law school. पर क्या ये sufficient है? हम next slide में इसके बारे में भी बात करें. So minimum percentage criteria definitely favor कर रही थी उन students का जिनके percentage कम आ रहे हैं. अब हम analyze कर रहे हैं इस चीज को कि क्या need है अच्छी percentage होने की. अगर आपकी एक decent percentage है तो आपके favor में चीजें कैसे हो सकती हैं और अगर आपकी decent percentage नहीं है तो क्या आपके अगेंस्ट जा सकता है, वो इस स्लाइड में हम डेफिनेटली बात करेंगे. सबसे पहली बात, लोअर परसेंटेज किसी भी रेज्यूमे या करिकुलम विटाए में अच्छी नहीं लगती. तो अगर आप जॉब्स के इंटरव्यू दे रहे हैं एलएलबी कंप्लीट करने के बाद या फिर हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. जितने भी स्टूडेंट्स लॉ फर्म्स को ज्वाइन करते हैं, बैंक्स को, प्राइवेट कंपनीज को एज अ लीगल एडवाइजर, वहां पर इंटरव्यू डेफिनेटली शेड्यूल किया जाता है. तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपको पहले ही रिजेक्ट कर दे बेस्ड ऑन योर परसेंटेज, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन पर्टिकुलर कंपनीज की इंटरनल पॉलिसीज में ही मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया हो तो आप वो फॉर्म फिल ही ना कर पाए. तो बहुत जरूरी है कि आपकी परसेंटेज अच्छी हो 12th में भी. अब अगर आप जुडिशियल सर्विसेज से रिलेटेड इंटरव्यूज दे रहे हैं तो भी डेफिनेटली आपके लिए वो चीज अगेंस्ट जाएगी अगर आपके परसेंटेज बहुत कम है. तो कोई भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जॉब के फॉर्म में या हायर एजुकेशन के लिए आपको मिलती है आपका एलएलबी कंप्लीट करने के बाद तो आप मिस कर सकते हैं अगर आपकी परसेंटेज डिसेंट नहीं है. सो ये क्लियर हो जाता है कि आप डेफिनेटली CLAT लिख सकते हैं और एक अच्छे नेशनल लॉ स्कूल में एडमिशन भी ले सकते हैं अगर आपके 12th के परसेंटेज कम है तो. बट जैसा हमने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि इस पर्टिकुलर केस में CLAT लिखने के बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता, इसी की वजह से आप नेशनल लॉ स्कूल में जा पा रहे हैं. लेकिन जैसे आपकी एलएलबी कंप्लीट होती है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आपके अच्छे मार्क्स 12th में नहीं आते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने 12th पे भी अच्छी तरीके से फोकस करें और 12th का एग्जाम भी अच्छे मार्क्स से निकालें. लेकिन इसके साथ साथ हम एक और इम्पोर्टेंट बात आप सबसे कहना चाहेंगे कि 12th की परसेंटेज का बैगेज आप अपने सर पे ना लें. खासकर वो स्टूडेंट्स जो दिल्ली से हैं वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे. वहां पे बहुत सारे कॉलेजेस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं उनके कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं, 97-98%. तो आपको बहुत हाई परसेंटेज का बैगेज अपने सर पे नहीं लेना और 12th का एग्जाम अच्छी तरीके से लिखना है. कोई भी डिसेंट परसेंट आपकी 12th में आ रही है that will help you in the future also. But इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप CLAT की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे. आपको 12th as well as CLAT की preparation को equally manage करके चलना है. हमने Legal Edge YouTube channel पे दोनों की study किस तरीके से manage की जा सकती है, 12th की as well as CLAT की, इससे related videos भी डाले हैं. आप definitely उन videos को भी जाके देखिएगा. So this was all from my side. Thank you.